और अब बात महापर्व छठ की। पूरे देश में आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मंगलवार को छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही 36 घंटे का कठोर उपवास भी शुरू हो गया। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसको लेकर पटना समेत देश के कोने कोने में घाटों को खास तरीके से सजा दिया गया है। पूरी व्यवस्था की गई है। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं। ऐसे में दिल्ली और मुंबई में इस बार भी छठ की रौनक थोड़ी फीकी है। देश का कोना कोना छठ की छटा से सराबोर है। बिहार से दिल्ली तक महापर्व छठ की धूम है। काशी हो या भोपाल, हर तरफ आस्था का सैलाब है। छठ की सुरीली गीतों से वातावरण महक रहा है। प्रकृति की पूजा के इस महात्योहार का आगाज यूं तो बिहार की धरती से हुआ, लेकिन छठ आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व का आज तीसरा दिन है। छठ का व्रत करने वाले आज डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। इसके लिए घाटों को खास तौर पर सजाया गया है। ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। यहाँ गंगा के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। हमारी कुल टीमें 7 टीमें यहाँ डिप्लॉयड हैं, जो घाट पे हैं, और एक टीम रिजर्व है। 8 टीमें पटना में हैं, और इसके अलावा 4 रिवर एम्बुलेंस है, और 70 बोट्स हमने डिप्लॉय कर रखी हैं, और जिला प्रशासन की तरफ से भी हमें 30 के करीब लकड़ी की बोट्स मिली हुई हैं। मंगलवार को खरना का मौका था। महिलाओं ने खरना का प्रसाद तैयार किया और सूर्य देवता की पूजा अर्चना की। खरना का प्रसाद काफी खास होता है। इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ व्रती खरना का प्रसाद लेने के बाद 36 घंटे का कठोर उपवास रखती हैं। सब लोग बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत सारे लोग आते हैं और मांग के खाते हैं ये प्रसाद। बहुत ही महत्वता है इस प्रसाद की। राजधानी दिल्ली में भी छठ की धूम है। हालांकि यमुना का पानी बुरी तरह प्रदूषित है, लेकिन लोग इसी पानी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने यमुना के घाटों पर अर्घ्य देने की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में जगह जगह पार्कों में अर्घ्य देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये तस्वीर चिराग दिल्ली की है। यहाँ छठ पूजा समिति की ओर से दशहरा ग्राउंड में घाट बनाए गए हैं। आस्था के इस महापर्व को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। क्राउड ज्यादा है, कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने, ये पुराना घाट है, एक नया घाट का भी विस्तार किया हम लोग यहाँ पे, जो कच्चा घाट है, ताकि हमारे यहाँ पब्लिक ज्यादा, मतलब भीड़ भाड़ ना हो। इसके वजह से दोनों घाट में हम लोग बदलाव किए हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। यहाँ छठ के मद्देनजर घाटों का रंग रोगन किया गया है। तस्वीरें हम आपको भोपाल के शीतल दास बगिया के दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत ही सुंदर घाट को तैयार किया गया है, सजाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर हर तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। सबसे पहले तो आम तौर पर अगर आप देखते हैं कि घाट की जो साफ़ सफाई होती है या यहां पर यहां की जो रंगत है वो वाकई में बेहद खूबसूरत लग रही है। छठ की मधुर संगीत से आस्था जगा रही ये तस्वीर गोरखपुर की है। यहाँ कलाकार अपनी मधुर आवाज से वातावरण को खास बना रहे हैं। करीब 2 साल से कोरोना के खतरे के चलते छठ भी पारंपरिक उल्लास से नहीं मनाई जा सकी थी, लेकिन इस बार छठ व्रती कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। टीम न्यूज नेशन। भाभी जे दिली जीरा खोई चा।
चकाते जाए।